व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं और ये कहानी है कोविशील्ड वैक्सीन की। जब कभी भी आप वैक्सीन लगवाने गए हैं, आपने एक बार भी एक पॉज लेके कभी ये सोचा है कि ये वैक्सीन कहां से आई है और कैसे बनी है? यहां मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, जिन लोगों को गोबर से परेशानी है वो इस वैक्सीन की वीडियो को, इस वैक्सीन की कहानी को अवश्य सुन। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए हमने चिंपैंजी का इस्तेमाल किया। चिंपैंजी आपने देखा होगा, कभी जू में जाना हुआ हो तो आपको चिंपैंजी के दर्शन हुए होंगे। इस चिंपैंजी के शरीर में कॉमन कोल्ड या फ्लू करने वाला एक वायरस है जिसको हम बोलते हैं एडिनो वायरस। ये एडिनो वायरस कॉमन कोल्ड या फ्लू जैसे सिम्टम्स डेवलप करता है। अब चिंपैंजी में से हमें यह वायरस चाहिए था। अब ये तो संभव है नहीं कि हम चिंपैंजी की नाक से स्वैब ले लेंगे या चिंपैंजी को एक हैंकी पकड़ाएंगे या टिश्यू पकड़ाएंगे, ले भाई चिंपैंजी तो इसमें छींक दे और हम वायरस कलेक्ट कर लेंगे। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया कि चिड़ियाघर में या जू में एक जो बीमार कोल्ड से इन्फेक्टेड चिंपैंजी था उसका गोबर इकट्ठा किया। यस, चिंपैंजी का मल गोबर, उसको इकट्ठा किया, उसको लैब में लेकर आए और उस गोबर में से उन्होंने एक वायरस को सेपरेट किया और उस वायरस का नाम है एडिनो वायरस। ये एडिनो वायरस वही वायरस है जो हमारे शरीर में कोविशील्ड वैक्सीन के रूप में हमारे शरीर के अंदर भेजा गया है। ये एडिनो वायरस चिंपैंजी के गोबर में से क्यों मिला? क्योंकि चिंपैंजी को कोल्ड था, यानी वो कोल्ड से इंफेक्टेड था और यह कोल्ड इंफेक्शन उसने किसने किया था? एडिनो वायरस ने किया था। अब हमने क्या किया कि इस एडिनो वायरस को बाहर निकाला, और मैं एक बहुत ही घटिया भाषा में कहूं तो अब हमने इस एडिनो वायरस को बाहर निकालकर इसे नपुंसक बना दिया, हमने इसे लंगड़ा बना दिया। कैसे बनाया? हमने इस एडिनो वायरस के डीएनए में काट छांट की और इस वायरस की जो मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी थी उसे खत्म कर दिया, यानी अब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये अपने जैसे नए वायरस नहीं बना सकता। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वायरस आपके शरीर में इंफेक्शन करेगा तो इंफेक्शन करने का मतलब है कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, और हमने इसकी मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी खत्म कर दी, हमने इसको लंगड़ा बना दिया, हमने इसको अपने आप को मल्टीप्लाई करने से रोक दिया। अब ये हमारे शरीर में अगर अंदर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, इंफेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें कोरोना के खिलाफ हमने वैक्सीन बनाई है तो उसमें एडिनो वायरस का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? एडिनो वायरस अपने साथ एक मेहमान को लेकर जाता है और वो मेहमान क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, और हमें एडिनो वायरस की जरूरत क्यों पड़ी उस मेहमान को भेजने के लिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेहमान क्या है? आपने कोरोना वायरस देखा है, कोरोना वायरस की सरफेस पर स्पाइक प्रोटीन्स पाई जाती है। हमने क्या किया, इस कोरोना वायरस के आरएनए को बाहर निकाला और उसमें वो पार्ट आइडेंटिफाई किया जो पार्ट कोरोना की खोपड़ी पर स्पाइक प्रोटीन्स बनाता है। उस पार्ट को हमने काट कर निकाला और उस पार्ट को हमने ट्रांसफर कर दिया एडिनो वायरस के अंदर, यानी अब ये एडिनो वायरस अगर हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर जाकर ये कोरोना जैसी स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। अब हमें एडिनो वायरस की जरूरत क्यों पड़ी इस मेहमान को भेजने के लिए, इस स्पाइक प्रोटीन बनाने वाले आरएनए को भेजने के लिए हमने क्यों एडिनो वायरस की हमें जरूरत पड़ रही है? इसको ऐसे समझ लीजिए कि भारत ने एक सैटेलाइट बनाया और इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में हम कैसे भेजेंगे, हम इसको उठाकर फेंक नहीं सकते। इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, स्पेस में भेजने के लिए हमें एक व्हीकल की जरूरत है और भारत के पास एक ऐसा व्हीकल है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस पीएसएलवी के ऊपरी हिस्से में हम इस सैटेलाइट को बंद कर देते हैं और फिर इसको हम लॉन्च कर देते हैं। यह व्हीकल इस सैटेलाइट को लेकर स्पेस में चला जाता है और स्पेस में जाकर इस सैटेलाइट को रिलीज कर देता है और वो सैटेलाइट वहां पर अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगता है जिस फंक्शन के लिए हमने उसे वहां भेजा है। ठीक इसी प्रकार कोरोना वायरस का वो पार्ट जो स्पाइक प्रोटीन बना रहा था उस पार्ट को अंदर भेजने के लिए हमें एडिनो वायरस जैसे व्हीकल की जरूरत है, इसको हम वेक्टर भी कहते हैं।
तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस एडिनोवायरस में काट छांट करके इसे वेक्टर का व्हीकल का रूप दिया और इसको नाम दिया चैडऑक्स 1, CHADOX1, CH फॉर चिंपैंजी, AD फॉर एडिनोवायरस, OX फॉर ऑक्सफोर्ड। तो इसको हमने नाम दिया चैडऑक्स 1। और ये क्या है, उस एडिनोवायरस को हमने ये नाम दिया है जिसको हमने लंगड़ा कर दिया है, नपुंसक कर दिया है, जो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब इसके डीएनए के साथ हमने कोरोना के स्पाइक बनाने वाले जेनेटिक मटेरियल को लिंक किया और इस व्हीकल को हमने आपके शरीर के अंदर भेज दिया थ्रू वैक्सीन। अब ये एडिनोवायरस हमारे शरीर के अंदर जाएगा और हमारे शरीर के अंदर पहुंचने के बाद ये हमारी सेल्स से जाकर अटैच हो जाएगा। जब ये सेल से जाकर अटैच होगा तो ये अपने साथ लाए गए उस जेनेटिक मटेरियल को भी हमारी सेल के अंदर भेज देगा, जिस जेनेटिक मटेरियल को स्पाइक प्रोटीन बनानी है। जैसे ही ये जेनेटिक मटेरियल हमारी सेल के अंदर पहुंचेगा, हमारी सेल के अंदर पहुंचने के बाद ये उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा जैसे हमारी सेल का डीएनए करता है। अब ये पहुंचा हुआ जेनेटिक मटेरियल स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। जब ये स्पाइक प्रोटीन्स बनेंगी तो ये स्पाइक प्रोटीन सेल्स से बाहर आने लगेंगी। यहां एक बात मैं और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि हमारे शरीर में एक पुलिस घूमती रहती है। उस पुलिस का काम भी सामान्य पुलिस की तरह होता है कि शरीर के अंदर पहुंचने वाले अनवांटेड एलिमेंट्स को, अवांछनीय तत्वों को, गुंडे बदमाशों को पकड़ना और उन्हें बंद करना, उनको न्यूट्रलाइज करना। तो हमारे शरीर में भी एक पुलिस घूमती रहती है और हमारे शरीर की इस पुलिस का नाम है इम्यून सिस्टम। जैसे पुलिस में डीएसपी, हवलदार, सिपाही होते हैं, ऐसे ही हमारे इम्यून सिस्टम नाम की पुलिस के पास भी बहुत सारे हवलदार, एसपी और डीएसपी हैं, जैसे T4 लिम्फोसाइट, बी सेल्स, मैक्रोफेजेस, हेल्पर सेल्स, ये सब इनके रैंक होल्डर्स हैं और ये हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में गश्त लगाते रहते हैं अनवांटेड एलिमेंट्स को पकड़ने के लिए। इन लोगों को जैसे ही ये अनवांटेड स्पाइक प्रोटीन दिखाई देती है, कैसे ये पहचाने, इनके अंदर एक टेंडेंसी है कि ये पहचान लेते हैं कि कौन सी चीज हमारे शरीर की अपनी है और कौन सी बाहर से अनवांटेड एलिमेंट के रूप में आ गई है। तो इन्होंने देखा कि एक अनवांटेड एलिमेंट यानी स्पाइक के रूप में हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, तो ये उस स्पाइक प्रोटीन को मारने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे जैसे ये एंटीबॉडीज बनती जाएंगी, वैसे वैसे ये स्पाइक प्रोटीन न्यूट्रलाइज होती जाएंगी। तो हमने पहली डोज दी, जानते हैं पहली डोज में हमने कितने एडिनोवायरस आपके शरीर के अंदर भेजे हैं? 5000 करोड़। जी हाँ, जो पहली डोज आपको लगी है कोविशील्ड की, उसकी क्वांटिटी है 0.5 ml और ये 0.5 ml जो वैक्सीन आपको दी गई है, इसमें 5×10^10 एडिनोवायरस हमने आपके शरीर के अंदर डाले हैं, यानी 5000 करोड़ एडिनोवायरस आपके शरीर के अंदर एक बार में भेजे गए। अब जब ये अंदर जाके स्पाइक प्रोटीन बनाएंगे, एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी, जिनको बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब थोड़ी एंटीबॉडीज बन गई, हमने दोबारा एक बूस्टर डोज दी जिससे और ज्यादा और शक्तिशाली इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो और ज्यादा एंटीबॉडीज बने। तो हमने 4 से 12 हफ्ते का गैप स्टडीज में डिसाइड किया और 2 डोजेस फिक्स की। दूसरी डोज फिर 0.5 ml की लगेगी और हम फिर से 5000 करोड़ वायरस आपके शरीर के अंदर भेजेंगे। तो अब ये अंदर चूंकि एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, पुलिस ने एंटीबॉडीज बना ली हैं स्पाइक प्रोटीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी अब स्पाइक को पहचानने वाली एंटीबॉडीज हमारे शरीर में सफिशियंट क्वांटिटी में बन चुकी है। अब मान लीजिए, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि आपके शरीर में वास्तव में कोरोना वायरस एंटर कर जाए, तो कोरोना वायरस की खोपड़ी पर क्या है? स्पाइक प्रोटीन, और उस स्पाइक प्रोटीन को पहचानने वाली, आइडेंटिफाई करने वाली एंटीबॉडीज ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं। तो जैसे ही ये वायरस, कोरोना वायरस पहुंचेगा, उसकी खोपड़ी पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन्स को ये एंटीबॉडीज पहचान लेंगी और उसे सेल के अंदर घुसने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देंगी, मार देंगी। हां, ये अलग बात है कि अगर ये कोरोना वायरस मुंडन करा के आ जाए या गंजा होके आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये निश्चित रूप से दिक्कत हो जाएगी। एक बात और, हम सबको वैक्सीन लगवानी है क्योंकि यही वैक्सीन हमें कोरोना के इंफेक्शन से
बचा सकती है। हो सकता है भविष्य में कोरोना में कोई एक ऐसा म्यूटेशन हो जाए जो इसको न्यूट्रलाइज कर दे या इसकी ताकत को कम कर दे, लेकिन अभी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए, यह जानने के बाद भी कि यह चिंपैंजी के गोबर से तैयार की गई है। थैंक यू।